मॉर्निंग व्यूज़ देख लीजिए। अभी मैं जा रही हूँ मनाली और अभी भुंतर से जस्ट अभी निकली हूँ तो यहाँ से पौड़ियाँ है। ये है कुल्लू बस स्टैंड जो अभी बन रहे हैं क्योंकि अभी तैयार नहीं हुआ है और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ कुल्लू। तो अब हम चलेंगे मनाली के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. तो चलिए मेरे साथ मनाली माल रोड और मार्केट घुमाऊंगी। उतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब आप लोग भी बोर हो जाओगे ज़्यादा घुमाऊंगी तो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा मनाली माल रोड। मनाली घूमघाम के हम पहुंच गए हैं हरिपुर जो अपोजिट साइड है मनाली के। हम पहुंच गए दीदी के घर। तो चलो आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल, तो दिखाती हूँ मैं आज आप लोगों को। ये लहसुन और अदरक कहाँ है, ये है। अब हम इसे छीलेंगे। प्याज काटो। अच्छा जी, बोलो। चलिए प्याज कट करेंगे और अदरक लहसुन छील के रखेंगे। तो आज हम बना रहे हैं मटन, तो जो मटन निकालते हैं प्लीज़ स्किप कर सकते हैं और देखते रहे। उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है और जो मुझे आता है मैं वो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दी और ये हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे और ये हमारा मटन। तो जो मटन नहीं खाते हैं प्लीज़ स्किप करना। और ये हमने तेल डाल दिया है और इसे हम गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे
अजवाइन, जीरा, धनिया और जो हम खड़े मसाला खाते हैं वो, और ये देख लीजिए, और ये ब्राउन हो चुका है। और इसमें हम अब डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भी ब्राउन होने तक पकाना। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च 2-3, और इसमें टमाटर 4-5 डालेंगे। और ये देख लीजिए, और इसको थोड़े से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और मैंने टमाटर कट कर दिया है। अब इसको हम, ये देख लीजिए, ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमारा पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटन। तो ये देख लीजिए, मैंने मटन डाल दिया है। इसको हम 10-15 मिनट ऐसे ही मतलब हिलाते जाएंगे, राड़ा मारेंगे, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद इसको हम स्टीम करेंगे। और ये रहा मेरा आटा, इसको दिन में ही गूंद के रख दिया था। इसमें ऑरिगेनो, जीरा और यीस्ट डाल के हमने रेस्ट करने के लिए 2-3 घंटा छोड़ दिया। अब ये तैयार हो चुका है। ये हमारा स्टीमर है, इसमें मैंने घी के साथ वो ग्रीस कर दिया। तो इसमें हम नीचे वाले खाने में पानी डालेंगे। और ये जो, हाँ, अभी इस आटे में थोड़ा जैसा बेकिंग सोडा डाल के फिर से हम गूंद देंगे, और ये बहुत ही ब्रेड जैसा बनेगा बाद में जब बनाएंगे। देख लीजिए, और ये है रहा मेरा मटन बन के, हो गया है रेडी। तो अब बच गए हमारा टिमो बनाने का काम। तो अब हम बनाएंगे टिमो। तो टिमो बनाना मैंने शुरू कर दिया है। इसको हम रोटी जैसा, मतलब फुलके जैसा पतला नहीं करेंगे, और इसको थोड़ा मोटा रखेंगे, और त्रिकोण वाला पराठे की तरह बना के इसको फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से बनाते जाएंगे। और ये देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ, और उतना ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा जैसा मोटा रखेंगे हम। और ये देख लीजिए, और इसमें हम डालेंगे घी के ऊपर से, हम घी और थोड़े जैसे हल्दी मिक्स करके ऊपर से, जैसे हम पराठे नहीं बनाते हैं त्रिकोण वाला, वैसे ही इसमें डिश करेंगे। और इसको हम फोल्ड कर देंगे। देख लीजिए, एक फोल्ड किया, और इसके ऊपर से हम थोड़े जैसे और घी डालेंगे, और एक और फोल्ड करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए, इसको नीचे की तरफ मोड़ देना है। ये देख लीजिए, ये हमारा बन गया टिमो। तो हमारा ये टिमो हो चुका है तैयार खाने के लिए। ये देख लीजिए आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान है। और 1, 2, 3 तीन स्टीमर बनाए मैंने, बहुत काफ़ी है, हम मतलब 6-7 जनों के लिए। बर्तन धोने के लिए तो है। थाली ही सर्व करने के लिए निकालो। कहाँ चल रहा? नहीं नहीं मैं पानी पानी भरा हूँ। अच्छा, अब हम सर्व करेंगे खाना। हाँ, पानी पानी भरा हुआ है लो हर जगह। हो गया, चलो बंद कर दो, इसको भी बंद करो, इसको बंद करो, इसका ढक्कन ले चलो, वो ढक्कन बंद करो। ये लो चम्मच, चम्मच उठाती हूँ मैं यहाँ से। मोटम लेके आओ। तो दिया कहाँ है? तो ले पीछे। लियाओ 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 लियाओ, चलो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी, ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए, थैंक यू।
बिल्कुल नरम पके हैं।